हेलो एवरीवन एंड कार रिव्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपना किया सेल्टोस के एक्स लाइन वेरिएंट के बारे में। बहुत टाइम से मशक्कत करने के बाद आज गाड़ी अवेलेबल हुई है, मतलब मिली हमें ही है, और चक्कर भी बहुत टाइम बाद लगा इधर की साइड। तो अभी बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, अपनी क्या क्या चीज़ें आपको एक नॉर्मल सेल्टोस से अलग जो है प्रोवाइड कराती है। वीडियो आपने बहुत सारी बहुत पहले देख लूंगी, बट भाई अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है वीडियोज़ को रिप्रेजेंट करने का तो भाई आपका मोस्ट वेलकम है इस वीडियो पर। तो अभी गाड़ी की चाबी से स्टार्ट करेंगे सभी फीचर्स के बारे में। उससे पहले एक स्पेशल थैंक्स अपना धींगरा मोटर्स को, जो कि अपना बड़कल फरीदाबाद में लोकेटेड है, बड़कल मेट्रो स्टेशन है और फरीदाबाद में लोकेटेड अपना शोरूम किया गया। और अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी किया गया प्रोडक्ट तो आप भाई अपना डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे आगे, और कॉन्टैक्ट डिटेल जो हमें अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ पे भी आप कॉल करके अपनी बेस्ट क्वेरी चेकआउट कर सकते हो और शोरूम पे विजिट कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा दिया करो। अगर नहीं आती हैं तो आप डिसलाइक करके अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, इम्प्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। तो अभी गाड़ी की चाबी से स्टार्ट कर लेते हैं सभी फीचर्स के बारे में कि ये आपको ऑफर क्या क्या करती है नॉर्मल सेल्टोस से। तो अभी गाड़ी की चाबियों से स्टार्ट करें तो कुछ ऐसी आपको दो चाबियां देखने के लिए मिलती है। कीलेस एंट्री में आपको मिलती है और पीछे अपना किया का कुछ नया वाला लोगो ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। वेट वाइज भी और कैसे जैसे आप टेक्सचर वाइज भी अगर फील करना चाहो तो काफी प्रीमियम फील होती है। और की पे आपको ये अपना कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं, डोर्स को लॉक अनलॉक करने की बटन मिल जाती है। इसे दबा के रखोगे तो आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी बाहर से। अपना बूट को एक्सेस करने के लिए बटन यहाँ पे मिल जाती है, मीन्स अनलॉक हो जाएगा, खोलना आपको मैन्युअली पड़ेगा। तो अभी कीलेस एंट्री में मिलती है तो आप चाबी को रख सकते हो साइड में लाइक दिस। तो यहाँ पे मिलती है अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जैसे आप मतलब देख सकते हो आप कुछ ऐसी मिलती है ग्लॉसी ब्लैक, जैसे आप एक बार प्रेस करोगे यहाँ पे तो अपना कुछ ऐसे ही आ जाती है कि अपना क्लिच अपना ब्रेक को दबाओ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पे अपना ब्रेक दबाना पड़ेगा आपको स्टार्ट करने के लिए। और अपना इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाता है, गाने वाने आप इसमें प्ले कर सकते हो इस टाइम तक। और अभी यहाँ पे ऐसा कुछ खास ग्लो नहीं होता है। और इसे एक बार और प्रेस कर देते हैं बटन को तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइट ग्लो कर जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, देख सकते हो आप। 6000 तक की आरपीएम आपको इसमें देखने के लिए मिलती है, 240 की टॉप स्पीड मिलती है। और ये ऑटोमेटिक वाला देख रहे हो वेरिएंट आप, जो कि आई थिंक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। और यहाँ पूरी एमआईडी मिलती है, और जब आप इंडिकेटर वगैरह भी देते हो इसमें आई थिंक तो ये अभी नहीं दिखाएगा। तो गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा भी आता है तो वो अपना यहाँ पे दिखाता रहता है कि क्या चीज चल रही है इसमें फिलहाल। और बाकी जितनी भी आप देख सकते हो पूरा डिजिटल पैनल है, तो गाड़ी की टोटली डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, सारी जानकारियाँ इंजन से रिलेटेड गाड़ी से रिलेटेड वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अभी स्टेरिंग के पीछे दिखाऊं तो यहाँ पे अपना कुछ ऐसे मिलते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स में आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी आपको मिलते हैं। और इनके पीछे ही स्टेरिंग के पीछे अपना पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक कार के अंदर पेडल शिफ्टर्स का होना मीन्स आप सोने पे सुहागा कह सकते हो। अपने हिसाब से आप इसकी परफॉर्मेंस को सेट कर सकते हो, मतलब रेव कर सकते हो इंजन को, और अपने हिसाब से कभी भी अपना गियर शिफ्ट वगैरह कर सकते हो। और इसकी एडजस्टमेंट की भी बात करें तो ये सिर्फ आपको टिल्ट मिलता है, मीन्स ऐसे ऐसे हो जाता है आगे पीछे ऐसे नहीं होता, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। और कुछ ऐसा मिलता है अपना स्टेयरिंग व्हील किया का नया लोगों कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है इसके ऊपर। यहाँ पर अपना वॉइस कमांड वाले फीचर्स मिल जाते हैं और फोन उठाने काटने के लिए बटन मिल जाती है। इन्फोटेनमेंट के पूरे कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल यहाँ पे मिलता है, एमआईडी कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे भी मिलती है, अपना कुछ ऐसा मिलता है नीचे सिल्वर का थोड़ा सा टेक्सचर, सेल्टोस की इम्बोजिंग यहाँ पे मिलती है, और एक लेदर रैप डी कट फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि बाइक काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट सा फील होता है। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के देखो वीडियोस में आप रियलिटी में जस्टिस नहीं कर सकते इस गाड़ी को, अगर आप वीडियो के मतलब ऐसे देखते हो आगे शोरूम पे नेक्स्ट लेवल कलर लगता है भाई, बहुत अपीलिंग कलर लगता है। और अभी यहाँ पे देखें डैशबोर्ड की बात, जो एक सेकंड रुक के आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलती है। ऊपर की साइड जहाँ पे स्टार्ट करें तो वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, अपना सनरूफ आती है इसमें, सनरूफ के कंट्रोल मिल जाते हैं, और व्हाइट लाइट कुछ ऐसी मिलती है थिएटर टाइप, जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लगती है रात के टाइम, जब एक स्पॉट पे जब लाइट पड़ती है तो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। यहाँ से अपना सनरूफ का आप एक्सेस कर सकते हो, ये कर्टन आपको मैन्युअली करना पड़ेगा बट इसे आप कर सकते हो, अभी मैं खोलूंगा नहीं, बाकी कनेक्टिविटी गाड़ी के अंदर पूरी है बट खुल जाएगी। यहाँ पे अपना कुछ ऐसा मिलता है स्मार्ट IRVM, जो कि अपना कनेक्टेड फीचर्स के साथ आता है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलती है। और अभी यहाँ से बात करते हैं, पहली बात जो बहुत अपीलिंग इस चीज में लगती है मतलब अंदर की साइड से, वो है इसका पूरा ही ब्लैक पैनल, टोटली ब्लैक थीम देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे सिल्वर इंसर्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस ब्लैक कलर के साथ बहुत सही कॉन्ट्रास्ट देते हैं। तो यहाँ पे अपना सॉफ्ट लेदर जैसी, और यहाँ पे कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं है, रियलिटी में कोई फैब्रिक वगैरह यहाँ पे लगाया हुआ है, कुछ ऐसे ऐसे इवेंट्स मिलते हैं। और ड्राइवर साइड कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, लाइट लेवल डायल मिल जाता है, अपना क्लस्टर की इल्यूमिनेशन कम ज्यादा करने के लिए बटन यहाँ पे मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल बटन मिल जाती है। और ये बटन किस चीज़ की आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना, जिसका मतलब मुझे आइडिया नहीं है तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं देना चाहता हूँ बिल्कुल भी।
और यहाँ कुछ ऐसे इवेंट्स मिलते हैं, हजार लाइट की बटन यहाँ मिल जाती है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर आता है और कुछ ऐसा शाइनी पैनल आपको देखने को मिलता है और ये एसी के कुछ कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं। और नीचे की साइड यहाँ पर अपना कुछ पोर्ट्स और मिलते हैं आपको, जैसे कि एक नाइक 12 का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट फोन कनेक्टिविटी के लिए और एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ये मिल जाता है। और यहाँ पे अपना 6 स्पीड आई थिंक ये आता है टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स, जहाँ पे अपना देख सकते हो PRND और वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं और पार्किंग सेंसर्स इसमें आते हैं आगे भी आई थिंक, तो ये अपना उसके लिए ये बटन पार्किंग सेंसर्स वाली बटन, ट्रैक्शन ड्राइव ट्रैक्शन वाला कंट्रोल डायल यहाँ पे आपको देखने मिलता है, दोनों ही सीट्स वेंटिलेटेड मिलती हैं कुछ इस तरीके से, तो ये भी है और ये भी है, तो इनका कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हो जैसे भी आपकी इच्छा करे। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स और मिल जाते हैं और एक हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट कुछ ऐसे मिलते हैं, एक सिल्वर अपना टिप के साथ, और यहाँ मिलता है अपना एक लेदर रैप्ड आर्म रेस्ट जिसे आप यूज कर सकते हो और काफी डिसेंट स्टोरेज इसमें आपको देखने के लिए मिलती है, और एक नॉर्मल नहीं है ये भी अपना एयर प्योरीफायर वाला सिस्टम है यहाँ पे। और यहाँ की बात करें तो एक डिसेंट सी स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर होती है अपना ग्लो बॉक्स में, जैसे आप यूज कर सकते हो सामान वगैरह रखने के लिए, जैसे कि फाइल वगैरह रखी हुई है, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। नीचे की साइड अपना 2 एल्युमिनियम पैडल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि अपना ऑटोमेटिक वेरिएंट आप ये देख रहे हैं, और यहाँ पे डेड पैडल अलग से दिया हुआ है बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेड पैडल प्लेसमेंट अलग से मिल जाती है आपको। और अभी यहाँ से कुछ रह गया हो तो आप पूछ लेना कमेंट्स में, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी रिप्लाई देने की। तो अभी पीछे की साइड चलते हैं, सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और देन फिर पहले उससे पहले डोर पैनल्स की बात करेंगे। तो अभी चलते हैं पीछे की साइड सीट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद। तो अभी पीछे जाने से पहले अपना ड्राइवर साइड डोर आपको दिखा देता हूँ, जो चीज़ आपको रियलिटी में अलग लगेगी वो है इस, मतलब एक बहुत प्यारा सा तो एक कलर है ही भाई, इसमें तो कोई दो डाउट नहीं है, जितने भी बंदे यहाँ पे आ रहे हैं भाई अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ गाड़ी का कलर कुछ ऐसा। और ये जो इसके साथ एक कॉन्ट्रास्ट मतलब बहुत डार्क सा नेवी ब्लू टाइप कलर जो इसके साथ दिया है लेदर पे, बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। कि ये ग्लॉसी ब्लैक पैनल्स आपको यहाँ मिलते हैं, ट्विटर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, बॉस का म्यूजिक सिस्टम इसमें आता है, स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ मिलती है और ये ग्लॉसी पैनल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और देखो आप ब्लू के ऊपर व्हाइट कलर की स्टिचिंग बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। अभी कैमरे से इतना जस्टिस नहीं हो पाता रियलिटी में, मैं भी वीडियोस में देखता हूँ तो भाई बिल्कुल आइडिया नहीं लगता, बट रियलिटी में जब आंखों से देखते हैं तो वो चीज़ अलग निकल के आती है। चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं, डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाती है, अपना ORVM से कंट्रोल मिल जाते हैं जिन्हें आप यहीं सेलेक्ट के लिए फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट कर सकते हो। और ऑब्वियसली बात है टॉप मॉडल सभी फीचर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और एक चीज़ जो आपको सबसे बेस्ट मिलेगी वो है यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड सीट्स आपको मिलती हैं, जिन्हें आप अपना आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे मतलब हर तरीके से सेट कर सकते हो, 6 वे 8 वे अपना इलेक्ट्रिकली एडजस्ट इन्हें आप कर सकते हो। सेल्टॉस की स्कप प्लेट मिल जाती है, फ्यूल लिड को खोलने के लिए लेवर यहीं पे आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसे मिलते हैं पैडल्स। अभी चलते हैं पीछे की साइड, ये सीट मैंने अपनी हेड के हिसाब से एडजस्ट की हुई है, अभी पीछे की स्पेस की बात करते हैं। तो अभी अंदर की साइड जाने से पहले पीछे का डोर पैनल आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखो, मतलब अब अपना सीट्स आपको क्लियर दिख रही होंगी, ये कलर कुछ ऐसा इनके साथ सही कॉन्ट्रास्ट देता है जो। तो यहाँ पर अपना कंपनी फिटेड कर्टन्स आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं, ग्लॉसी ब्लैक पैनल यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है, बॉस की अपने बैजिंग यहाँ पे भी आपको मिलती है, पावर विंडो कंट्रोल यही लेदर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, बोट विंडो प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, सेल्टॉस की स्कप प्लेट यहाँ पे मिलती है और ये एल्युमिनियम स्कप प्लेट्स हैं कुछ वैसी नहीं है। तो अभी पीछे की साइड चलते हैं, पीछे की स्पेस की बात मैं करूँ तो भाई मैं मतलब वीडियो पहले बना चुका हूँ एक बार सेल्टॉस की, है तो सेल्टॉस ही, बट जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा औसम है। तो अभी आप पीछे से देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, और इसे खोलने के बाद थोड़ा और ज़्यादा एरी से फील होता है। यहाँ पे अपना स्मार्ट प्योर एयर देखने के लिए मिल जाता है आपको, यहाँ पे एयर वेंट्स मिल जाते हैं और अपना एक USB पोर्ट यहाँ मिल जाता है, फ़ोन वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो चार्जिंग लगा के, और मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं दोनों ही सीट्स पे, आर्म रेस्ट भी देखने के लिए मिलता है और 2 कप होल्डर्स इन पे भी मिलते हैं, और ये कुछ इस तरीके से बंद भी हो जाते हैं और काफ़ी स्टडी पोजीशन पे, मींस कुछ ऐसा होता है जैसे बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा होता है कि नीचे की साइड थोड़े लटके हुए होते हैं, वो चीज़ यहाँ नहीं है, काफ़ी स्टडी पोजीशन पे, तो ये चीज़ बहुत औसम लगी भाई। और स्पेस की बात मैं करूँ तो भाई अगर ये सीट और भी पीछे होती ना, अगर मेरे सामने कोई 6 फुट का बंदा भी बैठा होता, फिर 6+ भी बैठा होता, तो भी मेरे पास बहुत मतलब इनफ स्पेस रहती। और अभी आप मेरे पास देख सकते हो पूरा एक हाथ जितनी स्पेस है, और यहाँ पे थायरूम वगैरह पूरा अगर पैर स्ट्रेच आउट कर लेता हूँ भाई, सेडान से कम नहीं है, मतलब जैसे लॉन्ग बीस व्हील अपना जिनका वो कार होती है ना, जिनका व्हील बेस जो थोड़ा लॉन्ग होता है, तो ऐसी फीलिंग आपको आएगी लिटरली अगर आपकी हाइट मेरे जितनी, मीन 5'9" या फिर 6 फुट तक भी हो, तो 6 फुट के 4 बंदे तो ईजिली बैठ के चले जाएंगे, 2 आगे और 2 पीछे, बाकी परेशानी 3 को भी कुछ नहीं होगी, एक मिनिमल सा हम्प आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे मिलती है कुछ ऐसी वाइट लाइट पीछे वाले बंदों के लिए, 1, 2 और 3 ग्रैब हैंडल्स कुछ ऐसे मिलते हैं जो कि इजी फोल्ड हो जाते हैं, और 1, 2, 3, 4 और 5 एडजस्टेड हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, मींस 5 बंदे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके
मजे से अपने सफर कर सकते हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी पीछे से इतना ही था, कुछ रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं भाई, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूं। और एक चीज और बता दूं, अभी रह गई थी आगे से, तो यहाँ पे अपना एक व्यू की बटन भी मिलती है, इसके बारे में आपको पता ही होगा किस काम में अपना ये आती है। मीन्स जब गाड़ी चल रही है, अगर चलती गाड़ी में आपको पीछे का व्यू देखना तो वो बटन आप दबा सकते हो, तो पीछे का कैमरा आप एक्सेस कर लोगे। अभी चलते हैं इस गाड़ी के मेन हाईलाइट जो है इसकी गाड़ी की बाहर की प्रोफाइल, तो भाई उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो अभी आपको दिखाता हूँ टोटली कि कैसी दिखती है पूरी कार। अभी गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले अपना एक बार बूट चेकआउट करा देता हूँ वो पहले। तो अभी गाड़ी का बूट खोल के देख लेते हैं, तो उसके लिए आपको इजीली बस इस बटन को ऐसे प्रेस करना है, और ये लाइट यहाँ पे जल चुकी है, मींस अपना बूट जो आप एक्सेस कर सकते हो अब यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ मिलती है 433 लीटर्स की बूट कैपेसिटी, और काफ़ी फ्लैट सरफेस आपको देखने के लिए मिलती है। मींस ऊंची तो गाड़ी है बट लोड लिफ्ट कुछ नहीं है, सामान उठाया और रखा सीधे से, तो काफ़ी प्रैक्टिकल स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। बूट लैंप्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, और अपने एक सब बूफर यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि बेस बनाने के काम आता है। पार्सल ट्रे मिल जाती है, अभी ये हैंग नहीं हो रखी है इसके ऊपर, तो जब बूट खुलता है तो ऐसे अपना आराम से ऐसे ऊपर हो जाती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और स्पेयर व्हील वगैरह की बात करें और टूल किट वगैरह की बात करें तो इसी के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। जेके का टायर आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसके टायर साइज की भी बात अगर हम करते हैं 215/60 R17, तो 17 इंच का अपना स्टील व्हील आपको देखने के लिए मिलेगा ये। और पीछे से आप एक बार व्यू चेकआउट कर लो इसका पूरा। तो अभी करते हैं गाड़ी की मेन हाईलाइट, गाड़ी के बाहर की प्रोफाइल बात, कि कैसा लगता है कलर। और अभी पूरी प्रॉपर लाइटनिंग हो रही है बहुत अच्छी, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी गाड़ी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो अभी बात करते हैं 2021 सेल्टॉस N-Line के बारे में, कि ये फ्रंट से आपको ये क्या क्या ऑफर करती है। पहली बात जो चीज़ आपको देख रही होगी, भाई बहुत अपीलिंग कलर लगता है। मींस गाड़ी और भी खड़ी हुई, सेल्टॉस ये खड़ी हुई है, ये भी खड़ी हुई है, ब्लैक भी, ब्लैक तक इसके सामने बहुत मतलब ऐसी लग रही है, फीकी फीकी लग रही है, बहुत अपीलिंग सा कलर है। अभी वीडियो में भी आपने इतना जस्टिस नहीं होगा आपको। तो अभी गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वैसे सेम वही सारी चीज़ें मिलती हैं, अपना LED अपना हेडलैम्प देखने के मिलते हैं, इंडिकेटर्स और ये स्वीपिंग DRLs जो यहाँ तक आती हैं इसमें। एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा सही लगेगी इसमें, जो कि एक क्रोम है, जो यहाँ पे क्रोम आता है वो अब ग्लॉसी ब्लैक हो चुका है यहाँ पे। और जो एक चीज़ सबसे अलग दिखेगी वो है यहाँ पे कैमरा, कुछ ये 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे अपना आइस क्यूब वाले फॉग लैंप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और फ्रंट में भी आपको 4 सेंसर्स मिलते हैं, 1, 2, 3 और चौथा यहाँ पे। तो वो जो पार्किंग वाली बटन थी वो इन्हीं के लिए थी, जो मैं कह रहा था कि इसमें सेंसर्स आते हैं बाहर की साइड। और नीचे की साइड से कुछ ऐसा अपना स्कर्ट प्लेट जो है यहाँ पे, ये भी अपना ग्लॉसी ब्लैक पैनल देखने के लिए मिलता है पूरा। और ऑरेंज कलर की जो एक छोटी सी लाइनिंग दे रखी है, बहुत सही तरीके से हाईलाइट होती है। मीन्स आप ये पूरी गाड़ी देख लो और ये लाइन पूरा अपना एक अलग से आपको दिख रही होगी। और जो चीज़ है ऑटो की बैजिंग ये आपको दिख जाएगी, मीन्स ये ऑटोमेटिक वेरिएंट आप इसका देख रहे हैं। अभी दूसरी साइड से दिखाता हूँ, अंदर की साइड से जो लाइट आ रही है तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो ये देखो कुछ इस तरीके से पूरी गाड़ी पे क्लैडिंग देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, यहाँ से और पूरी गाड़ी पे, मतलब SUV सेगमेंट में आती है तो कॉमन सी चीज़ है। अभी कुछ यहाँ पे नया देखने के लिए मिलेगा, वो है यहाँ पे अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन। और यहाँ टायर्स की बात करें तो JK के टायर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और टायर साइज की बात करें तो 215/55 R18 18 इंच के कुछ ऐसे अलॉय व्हील्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनके अंदर भी ऑरेंज कलर की हाईलाइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब ये चीज़ अलग ही दिखती है इस कलर के ऊपर ना, जैसे छोटी सी लाइट यहाँ पे है अपना बिडिंग के ऊपर है, तो ये चीज़ अलग ही दिखती है और बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगती है। कुछ नया अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आगे भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलेंगे, और डिस्क ब्रेक सेल्टॉस के डीजल में अपना बेस वेरिएंट सी ऑफर होते हैं, ये चीज़ भी आपको पता होगी। तो ये कुछ ऐसे दिखती है साइड से, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs मिलते हैं, जिनके नीचे आपको कैमरा की प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी, 360 डिग्री कैमरा का एक कैमरा यहाँ पे मिलता है, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और ये जब आप इन्हें ऑन ऑफ करते हैं, मतलब गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं, तो ये फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाते हैं ईजिली। क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, क्रोम की लाइनिंग्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, मतलब बहुत सही तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है यहाँ पे, ज़्यादा क्रोम भी नहीं है और ज़्यादा ग्लॉसी ब्लैक पैनल भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। और ये देख लो आप पीछे भी यहाँ पे भी डिस्क ब्रेक मिलती हैं, और ऊपर की साइड आप कहाँ पे रूफ रिज देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि गन मेटल कलर सा थोड़ा ऐसा देखने के लिए मिलता है, इस कलर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार लगता है। मतलब कुछ भी इस गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं है भाई जो अलग से लग रहा हो, मतलब थोड़ा बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो आपके माइंड को, बहुत सोबर लगती है देखने में। ऊपर की साइड अपना एक शार्प एंटीना मिलता है, जो कि ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा आपको कुछ ऐसा। और एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, वैसे तो बता ही दिया मैंने, ये चीज़ सनरूफ इसके अंदर आती है, तो ये चीज़ आपको बताना था।
और ये ग्लॉसी ब्लैक स्पॉइलर भी आपको मिलता है जहाँ पे अपना स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है। डिफॉगर वाइपर दोनों चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं। LED बेस अपना टेल लैंप, सेल्टॉस की बैजिंग मिल जाती है, रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे मिलती है। और जो ये पैनल अपना अपना क्रोम में आता है, दूसरे वेरियंट्स में अपना ग्लॉसी ब्लैक आता है। और इसके ऊपर देखो भाई नया वाला किया का लोगो कितना ज़्यादा प्यारा लगता है, तो कुछ ऐसा। और इसके ऊपर भी कुछ वैसे लिखा नहीं आता, बट वैसे आप इसे मतलब इस गाड़ी को अपना कलर से ही पहचान लोगे आप इसे, वहाँ पर ये अपना एक्स लाइन है। बट इसके ऊपर सिर्फ एक ये बैजिंग लगी हुई आती है एक्स लाइन की, तो ये चीज़ भी ठीक है। और यहाँ पे अपना चार पार्किंग सेंसर्स पीछे मिलते हैं, 1, 2, 3 और 4 ऐसा ही वहाँ पे। और ये ऑरेंज कलर का जो एक छोटी सी ट्रिम है यहाँ पे भी देखने को मिलती है। और नीचे अपना ग्लॉसी ब्लैक कलर का डिफ्यूजर जैसा डिज़ाइन आपको मिल जाता है, और ये भी अपना ग्लॉसी ब्लैक ही देखने के लिए मिलता है। और ये आप देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है रियलिटी में। और बार बार ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो एक बार वीडियो को छोड़ो, अपना रियलिटी में आके जाके देखो शोरूम पे, अपने नज़दीकी किसी शोरूम पे जहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगती है भाई। तो ये है आपके सामने। तो अभी गाड़ी के इंजन बे खोल के देख लेते हैं, मीन्स कंपार्टमेंट। और एक चीज़ और, यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, बट ये आपको अपना ड्राइवर साइड ही देखने के लिए मिलेगा, पैसेंजर साइड नहीं मिलेगा। और यहाँ से अपना खोल लेते हैं गाड़ी का बोनट एक बार, और अभी करते हैं इंजन कंपार्टमेंट की बात। कि गाड़ी के जो बाहर से चेंजेस तो हुए हैं वो तो हमको दिख रहे हैं, इंजन वाइज भी कुछ चेंज हुआ है गाड़ी में नहीं हुआ है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो अभी इसे खोल लेते हैं, एक सेकंड में ही मिलता हूँ। तो अभी बात करते हैं अपने इंजन कंपार्टमेंट के बारे में। उससे पहले यहाँ पे देख लो आप, इंसुलेशन पैडिंग आपको देखने के लिए मिलती है जो कि कैबिन नॉइज कम करने के लिए काम आती है, और एक प्लस पॉइंट के तौर पर आप इसे लेके चल सकते हो। और यहाँ मिलता है अपना 1499 cc का एक डीजल इंजन जो कि 138 bhp निकालता है, 242 Nm टॉर्क के आसपास टॉर्क आपको इसमें मिलता है। और 15 से 17 तक वो अपना ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर बात है, क्योंकि ऑटोमेटिक कार है तो वो अपना माइलेज आपके हाथ में डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से चलाते हो। बट 50 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको मिलता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है। और आप इंजन कंपार्टमेंट देख लो, CRDI 16V, बहुत ही ज़्यादा शानदार इंजन। और ये पूरी प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है। तो अभी इसे बंद कर लेते हैं, एक सेकंड में फिर मिलते हैं। तो भाई ये थे आपके सामने 2021 X-Line Seltos, देख लिया आपने कैसी लगी गाड़ी, आपको बता देना कमेंट्स में। कुछ चीज़ें रह गई हो, कुछ मिस्टेक हुई तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, बता सकते हो, ताकि उन्हें मैं इंप्रूव करूं। और अगर अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब करके अपना प्यार भी दे सकते हो प्लीज़। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं आते हो तो आप डिसलाइक करके अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट में, अपने मिस्टेक्स को मैं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। और गाड़ियों के बारे में कोई जानकारी चाहिए जो मैं कमेंट्स में नहीं बता पाता हूं, वीडियो में नहीं बता पाता हूं, तो इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में। और फिर मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय।